पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ नापाक साजिश रची है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों के कमांडरों के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक खुफिया बैठक हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों के आकाओं को ये निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए और जो आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं उन आतंकियों को सीमा पार से उन आतंकियों के आंखों की ओर से ये फरमान सुनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमले को लगातार अंजाम दिया जाए। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बर्फबारी पिघलने के साथ ही नियंत्रण रेखा यानी LOC के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में आतंकी लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं, इस फिराक में हैं कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन LOC पे हमारे जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं और हमारे बहादुर जवानों के होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगातार सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकी संगठन लगातार बौखलाए हुए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे बहादुर जवान ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चुन चुन कर आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और ऐसे में अब इन आतंकी संगठनों के आकाओं को ये निर्देश मिले हैं कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।